साहस सरोकार। लखनऊ में इकाना स्टेडियम में आर्किटेक्ट फेस्टिवल, कई कंपनियों के ब्रांड के लगेंगे स्टॉल। लखनऊ में अपना दल की कोर कमेटी की बैठक, सर्वसम्मति में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। अंबेडकर नगर में प्राथमिक विद्यालयों में मनाया राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लखनऊ में डेंगू रोधी महाअभियान का शुरुआत, डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग मशीनों का वितरण। लखनऊ में विधायकों ने की दबंगई, टोल प्लाजा कर्मचारियों से मारपीट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में इकाना स्टेडियम में आर्किटेक्ट फेस्टिवल का आयोजन की शुरुआत हो गई। इस प्रदर्शनी संगोष्ठी में कई कार्यक्रम किए जाएंगे और कई स्टॉल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही कई कंपनियों ने अपने ब्रांड का स्टॉल लगाया है जिसमें वह अपने उत्पादों को प्रमोट कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, वहीं इसे देश की सबसे बड़ी आर्किटेक्ट मीट माना जा रहा है। इस आर्किटेक्ट में देश भर के कई बड़े आर्किटेक्ट मौजूद रहेंगे। इस आर्किटेक्ट मीट में इकाना स्टेडियम को बनाने वाले संजय सिन्हा ने आर्किटेक्ट के प्रेसिडेंट हबीब खान समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो हम लोगों का ये प्रयास रहा है इस बार कि हम लेटेस्ट एक मिनिएचर मिलान फॉर्म में यहाँ पे डेवलप करें। उनकी तो कल दूसरी डेवलप नहीं होती है, लेकिन हमने भी यहाँ पे आज की डेट में सबसे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो प्रोवाइड किए हैं। कौन है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है वो अपने आप को आर्किटेक्ट का टाइटल यूज़ नहीं कर सकते। वो नंबर वन पॉइंट ये है कि आप इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद द काउंसिल आप उसका टाइटल आर्किटेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास जब भी कंप्लेंट आती है हम उनको लेटर लिखते हैं, उनको नोटिस देते हैं अंडर द एक्ट, आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972, और उनको ये वार्निंग देते हैं कि आप अपना ना टाइटल आर्किटेक्ट का यूज़ ना करें, ये आर्किटेक्चुरल सर्विसेज टाइटल यूज़ ना करें। उसके बाद में अगर उनकी अपॉलॉजी आती है वो रेक्टिफाई करते हैं तो हम उनको पार्डन कर देते हैं, बट अगर नहीं करते हैं तो हम फिर लोकल पुलिस स्टेशन में FRI 420 के अंदर में हम उनको FIR। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न किया गया जिसमें विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के कोर मेंबर्स सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से यह जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होने के बाद अनुप्रिया पटेल ने निकाय चुनाव के लिए गुरु मंत्र दिया और अपने पिता को याद करते हुए कहा कि सोनेलाल पटेल के सपने को हर हाल में पूरा करना है। आज अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन है जो यहाँ पर संपन्न हुआ है, ये पार्टी की एक परंपरा है। मैं अपने सभी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का, सदस्यों का, शुभचिंतकों का, समर्थकों का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने एक बार फिर मुझे निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है और मुझ पर एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है। इसके लिए मैं पुनः उन सभी को आभार व्यक्त करती हूं और अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहना चाहती हूं कि हमने जितनी मजबूती के साथ अभी तक काम किया है उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ काम करते हुए अपने पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और अपना दल को नई ऊंचाइयों पर लेकर। मेरे सहयोगी दल के साथ हमारी बातचीत चल रही है, अगर हम बातचीत के माध्यम से साथ मिलकर लड़ने का मन बनाएंगे तो साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अभी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। फिलहाल हमारी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारे मुखिया पर आक्रमण करने की नई कोशिश शुरू हुई है,
साथियों, मैं बस एक अनुरोध आप सबसे करूंगा कि सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कुछ छुट भैये स्तरहीन व्यक्ति ने राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की है। वो परंपरा क्या है? किसी बड़े नेता को गाली दीजिए तो मीडिया वाले हमारे साथी सामने खड़े हैं, हमें चला देंगे। इनको, हमारे मीडिया के साथियों को भी मजा आता है चलाने में। तो आपको सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को कुछ जवाब नहीं देना। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है अपने कार्यकर्ताओं से। अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो चुका है। एक बार फिर पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ मऊ मानिकपुर से विधायक अविनाश चंद द्विवेदी जी हैं। आज फिर से अनुप्रिया पटेल जी को अध्यक्ष का कुर्सी दिया गया है, कितनी प्रसन्नता है? अध्यक्ष का कुर्सी देने में हमें बहुत प्रसन्नता है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बार बार बनती रहें, हम ये चाहते हैं। अच्छा जी, अगर बात की जाए तो आप मऊ मानिकपुर से आते हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। तमाम दिक्कत, जब प्राइम टीवी की टीम आपके वहाँ गई थी, तमाम दिक्कतों का आपने बताया था, कितना आप उसको सदन तक रख पा रहे हैं? हम उसको सदन में पूरा रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने कई पत्र दिया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जो गैंग उस क्षेत्र में थे सब मुख्यमंत्री जी ने पूरे गैंगों को सफाया कर दिया है। मैं मानिकपुर में पूरी विधानसभा में दिन रात मेहनत करके क्षेत्र का विकास कर रहा हूं। मतलब कानून स्थापित हो गया है, जो योगी सरकार लगातार दावा वादा करता है कि जीरो टॉलरेंस के तहित माफियाओं पे कार्रवाई, क्या आप उस पे सहमत हैं? हाँ, हम उससे सहमत हैं। जितने भी माफिया हैं सब मैदान छोड़ के भाग गए हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ मऊ मानिकपुर के विधायक अविनाश चंद द्विवेदी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मऊ मानिकपुर की समस्याओं को हम सदन में रख रहे हैं और उत्तर प्रदेश से माफियाओं का साफिया हो चुका है। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सु, प्राइम टीवी लखनऊ। लखनऊ में निरंतर बढ़ते डेंगू मामले को देखते हुए सरोजनी नगर विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में डेंगू रोधी महाअभियान का शुभारंभ किया। सरोजनी नगर विधायक और उनकी टीम ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सहयोग से डेंगू की रोकथाम के लिए कमर कसी है। इसी क्रम में लोक बंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तमाम लोगों की उपस्थिति में महाअभियान का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने अपने कार्यकाल पर निःशुल्क स्प्रे और फॉगिंग मशीनों का वितरण किया। लखनऊ में जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की और वार्ड चयन और वोटर लिस्ट बनाए जाने की समस्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि समस्या निस्तारण के लिए 2 BLO को भी नियुक्त किया गया है और जो भी मतदाताओं के वोटर लिस्ट में बूथ नहीं है उनके लिए अधिकारी ने बताया कि उच्च माध्यमिक विद्यालय को बूथ बनाया गया है। कानपुर में हेलेट और GSVM मेडिकल कॉलेज ने इतिहास रचा है। प्रदेश में पहली बार डॉक्टर शालिनी मोहन और उनकी टीम ने 6 महीने की बच्ची के कॉर्निया का सफल प्रत्यारोपण किया है। आपको बता दें कि बच्ची की आंख के कॉर्निया में संक्रमण हो गया था, जिसके बाद परिजन ने बच्ची को हेलेट अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच में पाया कि बच्ची की आंख में संक्रमण है। बच्ची की कॉर्निया प्रत्यारोपण कर हेलेट और GSVM मेडिकल कॉलेज टीम को बड़ी सफलता मिली है। खबर औरैया से है, जहां LIC पॉलिसी रिन्यूअल कराने के नाम पर साइबर ठगी कर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का SP चारू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एयरफोर्स के कर्मचारी ने मुकदमा दर्ज कराया था बंद पड़ी पॉलिसी को रिन्यूअल कराने और फिर से चालू कराने के नाम पर। उसके साथ साइबर ठगों ने 38 लाख से अधिक की ठगी की, जिसके बाद पुलिस और SOG टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें पूरी साइबर की टीम लगाई, फिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए SOG को लगाया
लोगों को चिन्हित किया, चिन्हित करके इसमें मुखबिर मामूर किए गए कि इनकी जो चिन्हित अभियुक्त हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। तो चिन्हित अभियुक्तों में विकास तिवारी, अनुज कुमार और शिवम तिवारी, ये तीन अभियुक्त चिन्हित किए गए जिनकी मुखबिरी सूचना आज प्राप्त हुई कि ये एक बैग में कुछ सामान लेकर अजीतमल हाईवे के पास से कहीं जा रहे हैं, तो इनको अरेस्ट किया गया। ये इसमें कहना चाहेंगे सर, इन्होंने जो है 38,91,950 का फ्रॉड किया था। हमारे भाई जो वायुसेना में कार्यरत हैं, हमने यहाँ कंप्लेन की साइबर क्राइम में, तुरंत मैडम ने तत्परता से वो करते हुए उनके अकाउंट सीज करवाए, उसमें 13,65 की रिकवरी तुरंत करवाई और उसके बाद 99,000 और ये कुछ दिन से फरार चल रहे थे, तो इनको जो है एसओजी टीम द्वारा बहुत अच्छे से नोएडा से उठा लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। अपना दल के विधायक राम निवास वर्मा ने टोल प्लाजा पर दबंगई करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट की और बिना टोल दिए निकलने का दबाव भी बनाया, जिसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ शाहपुर टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए। तो वहीं दूसरी ओर अपना दल एस के कार्यकर्ता इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे थे। बता दें कि आज एस दल के विधायक ने टोल प्लाजा पर दबंगई की, टोल प्लाजा कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि एस दल के विधायक, बता दें कि अपना दल एस के विधायक ने टोल प्लाजा कर्मचारियों से मारपीट की है, जिसके बाद उन्होंने बिना टोल दिए निकलने का दबाव भी बनाया, जिसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ शाहपुर टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए थे। तो वहीं दूसरी ओर अपना दल एस के कार्यकर्ता इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, विधायक ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी नंदनी, आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना दल एस का राष्ट्रीय सम्मेलन होना था, अधिवेशन होना था, जिसमें शिरकत करने के लिए आज प्रदेश भर और साथ ही साथ कई राज्यों से अपना दल एस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आ रहे थे। उसी क्रम में आपको बताएं कि जहां एक तरफ देखा जाए तो राजधानी लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पूरे कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से कार्यकर्ता आ रहे थे, तो वहीं बाराबंकी टोल पे आप अपना दल के कार्यकर्ता साथ ही साथ कई विधायकों की जो फ्लीट आ रही थी, उस दौरान आपको बताएं कि टोल कर्मियों से टोल का दरवाजा खोलने पे बहस को लेकर वहां नौबत मारपीट में आ गई और जिसका पूरा जो वाकया था वो सीसीटीवी में कैद हो गया। उसके बाद आपको बताएं कि टोल कर्मियों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे इसकी सूचना दी और विधायक पर कार्रवाई की मांग की, और दूसरी तरफ आपको बताएं कि जो विधायक थे वो इस मामले को लेकर और कार्रवाई को लेकर धरने पे बैठ गए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ में सर्विस लांच टीम को सफलता मिली है। आपको बता दें कि सर्विस लांच टीम ने लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद किया। इन मोबाइल फोन की कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। डीसीपी अपर्णा कौशिक ने बताया कि मोबाइल फोन को रिकवर करने में उनकी टीम लगातार काम कर रही है। मध्य कार्यालय द्वारा 55 फोन जो कि खोए हुए थे उनको बरामद किया गया है। इन मोबाइल्स की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है मार्केट वैल्यू के आधार पर, और साथ ही में जो लोगों के फ़ोन थे आज उनको भी हमारे कार्यालय में आमंत्रित किया गया है और हमारे द्वारा ये सभी फ़ोन आज उनको सुपुर्द किए जाएंगे। गोंडा में डीएम उज्जवल कुमार ने ग्राम पंचायत सूर्यबली सिंह बनकटी रिसोर्स रिकवरी सेंटर का शिलान्यास और कंपोजिट विद्यालय का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि सरकार ओडीएफ गांव में कूड़ा निस्तारण के लिए चयनित ग्राम पंचायतों रिकवरी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान संघ अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
हरदोई मेडिकल कॉलेज प्रशासन की मनमानी से मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल प्रशासन ने वाहन पार्किंग चार्ज में बड़ी वृद्धि की, जिसके कारण इलाज के लिए आने वाले मरीजों में आक्रोश का माहौल है। मेडिकल कॉलेज है ये, आज यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते होंगे, ये मेडिकल कॉलेज का गेट है, बराबर बंद रहता है। मरीज आता है, 10 से 15 मिनट लगता है, यहाँ पे खड़ा रहता है, इससे मरीज की जान भी जा सकती है। यहाँ पे ओपीडी चालू है, ओपीडी ₹1 के पर्चा बनवाते हैं, उसके लिए यहाँ पे इधर कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं, ₹10 का जो ₹1 का पर्चा बनाता है, और ₹10 का अपनी गाड़ी खड़ी करता है, इससे मरीजों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको अपना कैमरा पर्सन से कहेंगे ये पीछे गेट को दिखाएं, मरीज आता है यहाँ पे खड़ा रहता है और बड़ी सामने का दिक्कत करना पड़ रहा है, 10-10 मिनट खड़े रहते हैं यहाँ पे। ये बताइए, हम रात से बात करने की कोशिश करेंगे, ये गेट किसकी परमिशन से बंद होता है, ये देखिए आपको कैमरे में दिखाते हैं कैसे ये गार्ड जो है कैमरे से बसते नजर आ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ये किसकी परमिशन से बंद हुआ है। लेकिन जो मरीज आता है डीएम और प्रिंसिपल के उस पे बंद हुआ आदेश पे, इनका जो गार्ड से बात की गई तो गार्ड बोल रहे हैं डीएम की और उसे उनकी परमिशन से बंद किया गया है, लेकिन मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ हर्षराज सिंह, प्राइम टीवी हरदोई। सुल्तानपुर में गबड़िया में शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल में सड़क सुरक्षा अभियान के उद्घाटन समारोह के अवसर पर डीएम और पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि बच्चों ने डीएम और पुलिस अधीक्षक को फूल देकर उनका स्वागत किया, साथ ही कार्यक्रम में बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। डीएम ने यातायात नियमों को पालन करने के लिए लोगों से अपील की। और यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चों द्वारा बहुत अच्छा एक जागरूकता प्रदर्शन किया गया, और उसके उपरांत हमारे DSI साहब, हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, हमारे SP साहब ने, हमने इस पर जो भी अपने इनपुट्स थे वो लोगों से साझा किए। मुख्य रूप से क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस में बच्चे थे तो उनसे अनुरोध किया गया कि अपने माता पिता जो उनके ड्राइविंग करते हैं तो उनके साथ जो एक घर का प्रवर्तन होता है वो ज़रूर कराया जाए, उनके घर वाले जब भी ड्राइविंग करें सीट बेल्ट लगाएँ, हेलमेट लगाएँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी तरह के डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया। सरकार द्वारा निर्धारित एक कार्यक्रम होता है कि हर नवंबर माह में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाए, उसी के क्रम में नवंबर माह में इसका शुभारंभ हुआ है और ये प्रोग्राम लगातार चलता है, और आप लोगों के सहयोग से पीछे भी आप लोगों ने काफ़ी काम किया है, आप लोगों के माध्यम से मैसेज दिया है, तो इक्का दुक्का लोग अब मैक्सिमम संख्या में हेलमेट लगाए लोग दिखे। खबर उन्नाव से है, जहां देर रात प्रधान के भतीजे और दोस्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। वहीं देर रात फायरिंग के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। वहीं ASP ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है, आरोपी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कल रात में दो युवकों द्वारा ये पता चला कि उनको किसी ने गोली मार दिया है। जब जांच की गई तो मामला संदिग्ध लगा, और अभी उनके परिवार के जो उसके चाचा हैं जो घायल लड़का है, उन्होंने लिख के दिया है कि गांव में कोई पटाखा वटाखा लग रहा था, उसमें इसको चोट लगी है। इसमें पुलिस पूरे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, पूरे घटना के आधार पर और जो भी परिस्थितियाँ वहाँ पर गाँव में हैं उसके आधार पर इसमें कार्रवाई करेगी, और किसी भी व्यक्ति को जो दोषी व्यक्ति है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हरदोई के शाहबाद कोतवाली इलाके में बीच सड़क एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला किसी से बात करती नजर आ रही है, जिसके बाद युवक उसे घर चलने के लिए कहता है और बीच सड़क पर उसे मारते हुए घर तक ले जाता है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वीडियो की पड़ताल में जुट गई। इस मामले पर शाहबाद कोतवाल ने बताया कि वायरल वीडियो में पति पत्नी के बीच मारपीट का है, साथ ही पुलिस ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त होने पर आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग उच्च प्राथमिक विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्र छात्राओं ने अध्यापकों के नेतृत्व में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सैमुअल पॉल एन, जिला विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह समेत कई अन्य अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों के द्वारा लगाई प्रदर्शनी पर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि विद्यार्थियों को ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। रायबरेली में प्रेमी युगल के परिवारों के बीच विवाद जमकर मारपीट हुई। लड़की पक्ष ने लड़कों वालों से शादी करने का दबाव बनाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जहां पुलिस ने लड़के समेत उसके परिवार वालों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर थाने में जमकर पिटाई की। पीड़ित पक्ष ने पुलिस कार्रवाई की शिकायत पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से की। उन्होंने घटना को संज्ञान में लेते हुए आरोपी लड़की वालों और पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। अमेठी यातायात पुलिस ने सर्दी के दिनों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यमराज मिशन के तहत लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए जागरूक किया। यातायात अधिकारी ने कहा कि जो यातायात नियमों का पालन नहीं करेगा यमराज उन्हें पास बुला लेंगे। साथ ही यातायात अधिकारियों ने बताया कि अब तक 247 चालानों के माध्यम से 3,00,000 से अधिक का राजस्व एकत्रित किया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।